क्लास क्लास लेट से क्यों ज्वाइन होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब किसी नेटवर्क आ गया था? कौन सा छुटा हुआ तुम्हारा, बोल जल्दी छुटा, कौन सा छुटा हुआ है? लिखिए परिभाषा लिखिए। जब तरंग स्रोत एक रेखीय होता है, जब तरंग स्रोत एक रेखीय होता है, तरंग स्रोत एक रेखीय होता है, तब उससे निकलने वाली तरंगों के संचरण की दिशा में निकलने वाली तरंगों के संचरण की दिशा में तरंगों के संचरण की दिशा में अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं, हाइगेंस के हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत का सिद्धांत हेडिंग पर दे दीजिएगा आप लोग, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख के उतार लीजिए। हम लोग इसको पहले सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद लिखिएगा इसको। देखो, पहला जो सिद्धांत है द्वितीय तरंगिका सिद्धांत, ये क्या कहता है, ये किसी तरंग स्रोत से निकलने वाले तरंग संचरण के बारे में ये सिद्धांत है। और पहला जो इस सिद्धांत का जो पहला भाग है बाबू, या पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है, उसमें हाइगेंस ने कहा, जो भी आपने तरंगाग्र पढ़ा है उसके बारे में चर्चा किया है, तरंगाग्र के बारे में बाबू, पहला पॉइंट जो आपने हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका जो सिद्धांत है, पहला पॉइंट जो है बाबू, तरंगाग्र के बारे में ही बोला गया है। और तरंगाग्र की परिभाषा आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, बताइए क्या था परिभाषा, बताओ बाबू तरंगाग्र की परिभाषा, पढ़े आप लोग तरंगाग्र की परिभाषा पढ़े हैं, कि किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तरंग संचरण की दिशा में एक ऐसा कल्पित पृष्ठ, मतलब कल्पना किया गया पृष्ठ, जिस पर माध्यम के जो भी कण मौजूद हैं, सभी कण समान कला में कंपन करते हुए, तरंगाग्र की परिभाषा ऑलरेडी आपको बता दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो है फर्स्ट पॉइंट में तरंगाग्र के बारे में ही बताया, तो पहले लिखिए आप लैंग्वेज में, उसके बाद हम तब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। लिखिए पहले, लिखिए किसी तरंग स्रोत, लैंग्वेज लिखिए इसके जस्ट नीचे से, किसी तरंग स्रोत से उत्पन्न तरंग से संबंधित हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका नाम हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया जाता है।
इसके अनुसार पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देखिए किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में कल्पित मतलब कल जैसे लिखवाया गया था, परिभाषा ही है। पहला पॉइंट समझिएगा, तरंगागर की परिभाषा ही है, अलग नहीं है उससे। कल्पित ऐसा पृष्ठ जिस पर मौजूद माध्यम के सभी कण समान कला में समान कला में कंपन करती हैं समान कला में कंपन करती हैं तरंगाग्र कहलाता है, वही है सेम। ठीक है, तरंगाग्र की परिभाषा भी देख सकते ऊपर में। ठीक है, वही वाला लिखिएगा जो तरंगाग्र की परिभाषा लिखवाया गया था। ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है, साथ में लिखी उसी में परिपाई के बाद पहला पॉइंट में ही ये देखिए, तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र पृष्ठ के ठीक लंबवत होता है, तरंगाग्र पृष्ठ के ठीक लंबवत होता है। इसलिए तरंगाग्र के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तरंग संचरण की दिशा को सूचित करता है। ये पहले भी बताया गया था, तरंगाग्र की परिभाषा में आपको ऐसी बताया गया है। सेकंड पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट सूचित करता है, हो गया वो सेकंड पॉइंट, आप समझिए। इन्होंने कहा अपने द्वितीय तरंगिका सिद्धांत में कहा बाबू कि किसी तरंग स्रोत से उत्पन्न तरंग माध्यम में जहां भी तरंगाग्र उत्पन्न करता है, वो तरंगाग्र संचरण की दिशा में जहां भी आगे बढ़े, तरंगाग्र जहां भी बढ़ता है, जहां भी पहुंचता है, वहां पर उस पृष्ठ के सभी कण कंपन करते हुए नवीन तरंगों को जन्म देते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, मान लीजिए पृष्ठ पर जो है बाबू, जहां कहीं भी हम किसी पृष्ठ पर बात कर रहे हैं, कि रास्ते में हम यहां पर एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, रास्ते में तरंग संचरण की एक पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं। यहां पर इस पृष्ठ पर जो भी कण है, ये कंपन करते हुए नवीन तरंगों को जन्म देते हैं, और उन्हीं नवीन तरंगों को बोलते हैं द्वितीय तरंगिकाएं। जहां कहीं भी माध्यम में तरंगाग्र जाती हैं, हम मान लीजिए यहां पर विचार करें, ठीक है, तो यहां भी नवीन तरंगिका जन्म होगा, द्वितीय तरंगिका। हम आगे भी पृष्ठ की यदि कल्पना करें, वहां से भी जो कण कंपन करते हुए नवीन तरंगों को जन्म देते हैं, उन्हीं तरंगों को बोलते हैं द्वितीय तरंगिका कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, द्वितीय तरंगिका, जो सिद्धांत देखिए उसी नाम से है, द्वितीय तरंगिका के नाम से है, क्योंकि इसी पर इन्होंने विशेष काम किया था इस सिद्धांत में। फिर सुनिए,
तरंग संचरण की दिशा में या तरंगागे माध्यम में जहां कहीं भी होता है या जहां कहीं भी जाता है वहां उस पर मौजूद सभी कण कंपन करते हुए नवीन तरंगों को जन्म देते हैं। उन्हीं तरंगों को बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं की जो चाल होती है, शुरू में जो प्राथमिक तरंगे थी जो स्रोत से निकली थी उसके चाल से अलग इनकी चाल नहीं होती, वही चाल होती है। बस यही है कि जहां जहां पृष्ठ हो पहुंचेगा, तरंगाग्र पहुंचेगा, नया तरंग को जन्म देगा, उन्हीं तरंगों को नाम दिया जाता है द्वितीयक तरंगिका। लिखिया और कैसे इसको हम प्राप्त करते हैं, अगला जो उसका पोजीशन है कि हमारा क्या होगा, अगले पोजीशन द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पे हम लोग अगले तरंगाग्र के अगले पोजीशन को लिख सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे, लेकिन सेकंड पॉइंट है बाबू सिर्फ द्वितीय तरंगिका के बारे में बताया गया। लिखिए अब देखिए माध्यम में, सेकंड पॉइंट में माध्यम में तरंगाग्र जहां भी पहुंचता है उस पर मौजूद सभी कण कंपन करते हुए माध्यम में तरंगाग्र जहां भी जाता है उस पर मौजूद सभी कण कंपन करते हुए नवीन तरंगों को जन्म देते हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिका क्या है। अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, सेकंड हो गया, अब थर्ड लिखिए, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट सुनिए। हम किसी क्षण चाहते हैं कि हम लोग एक नया हमें तरंगाग्र प्राप्त हो, नवीन तरंगाग्र प्राप्त हो, या नवीन तरंगाग्र की कल्पना करना चाहते हैं या पृष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बाबू। ठीक है, इसमें पहले एक लाइन और लिख लीजिए, उसी में जोड़ लीजिएगा सेकंड पॉइंट में ही। हम वो जो समझाए थे आपको कि इन तरंगिकाओं का जो चाल होता है, द्वितीय तरंगिकाओं का जो चाल है वो प्राथमिक तरंग के चाल के बराबर होता है। मतलब कहीं पर भी माध्यम में कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी भी बिंदु पर चले जाइए, किसी तरंगिका या तरंग का जो है चाल नहीं बदलता, सेम रहता है। ठीक है, चाल जो शुरू में जो पैदा हुआ था वहां से तरंग स्रोत से, वही चाल किसी भी बिंदु पर होता है, चाहे द्वितीय तरंगिका पैदा हो चाहे नहीं हो। ठीक है, द्वितीय को तृतीय को जो भी हो उस सभी के लिए चाल समान होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट उसमें जोड़िए सेकंड वाला में, थर्ड में मत लिखिएगा, थर्ड में नहीं शुरू किया, सेकंड में लिखिए अभी। ठीक है, इन तरंगिकाओं की चाल प्राथमिक तरंग के चाल के ही समान होता है। मतलब बराबर होता है, प्राथमिक तरंग के चाल के ही समान होता है। मतलब ये सब चाल जो है द्वितीय तरंगिका का भी, जो नया तरंग जो जन्म ले रहा है बाबू, उसका भी जो चाल है या वेग है वो प्राथमिक तरंग जहां से पैदा हुआ था वहां पर किसी भी बिंदु पर आप देखिएगा सबके लिए एक समान होता है। ठीक है, थर्ड लिखिएगा, तीसरा हम चाहते हैं कि इतना समय के बाद, एक टाइमिंग आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि आप t=5 सेकंड के बाद हमें उपृष्ठ खींचिए, उपृष्ठ को खींचकर दिखाइए, एक नया तरंगाग्र को हमको खींचकर दिखाइए, जिस पृष्ठ की कल्पना आप कर रहे हैं, जिस तरंगाग्र को लिख रहे हैं, तो 5 सेकंड के बाद तरंगाग्र कहां होगा। तो मान लो बाबू कि हमारा कोई पोजिशन है बाबू, अभी स्टार्टिंग में किसी स्रोत के लिए एक पोजीशन हमने लिखा है, मान लीजिए ये पोजीशन है हमारा ए बी या पी क्यू, तो ये बाबू हमारा एक तरंगाग्र है, एक पृष्ठ है हमारा, गोलीय पृष्ठ,
ये हमारा बिंदुवत स्रोत है, बिंदुवत स्रोत, यहां से सब जो तरंगे निकली हैं उससे पृष्ठ हम लोग कल्पित किए हैं जिसका नाम दिए हैं कि गोलीय तरंगाग्र। अब आप चाहते हैं कि हमें अगला तरंगाग्र प्राप्त करना चाहते हैं किसी क्षण पर, क्षण मतलब टाइम दे दिया आपको, आप चाह रहे हैं हम टी इक्वल टू 5 सेकंड पर चाहते हैं कि अगला तरंगाग्र कहां प्राप्त होगा। ये तो पता है बाबू कि जहां जहां जाएगा ये सभी तरंगों का द्वितीय तरंगिका हो चाहे प्राथमिक तरंग हो, सबकी चाल जो है एक समान होती है भी, ठीक है, चाल दिया हुआ रहेगा, चाल आपको सबका एक समान है। और आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 5 सेकंड बाद बताइए क्या पोजिशन होगा, स्थिति होगा। तो बाबू दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर फॉर्मूला बोल दीजिए, चाल गुने समय, तो चाल कितना भी और समय कितना 5, ठीक है, इसको हम टी मान लेंगे, 5 सेकंड अभी माने हैं, तो कितना हो जाएगा, जितना चाल दिया रहेगा मान लीजिए जितना भी चाल दिया रहे उसमें गुना कीजिएगा 5 × मान लीजिए ये ध्वनि तरंग ही है तो आप 340 मीटर पर सेकंड मान लीजिए लिखिए, ठीक है, तो दोनों में गुना कीजिएगा तो आपको दूरी नहीं मिल जाएगा, यहां दूरी मिलेगा ना आपको, जितना दूरी मिलेगा आपको, जितना दूरी मिलेगा बाबू वो दूरी जो है उसी दूरी को जो है आप त्रिज्या मानते हुए देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहां पर जो यहां पर बोला गया है कि सभी बिंदुओं पर जो है द्वितीय तरंगिकाएं पैदा होती है, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या मानते हुए सबका एक वृत्त खींचिएगा, सबका उतना ही त्रिज्या का, ये जितना हम खींचे लिखे आपको भी गुने टी का जो है त्रिज्या होगा, है ना, ये दूरी दे देगा आपको, ये सब इसी त्रिज्या का सब जो यहां पर वृत्त बनाइएगा, इसी त्रिज्या का सब वृत्त बनाइएगा, यहां पर इसी त्रिज्या का वृत्त बनाइएगा, इसी त्रिज्या का वृत्त बनाइएगा, यहां पर इसी त्रिज्या का वृत्त बनाएगा। और यहां पर जो बाबू नया आप नवीन स्थिति जानना चाहते हैं तरंगाग्र का, तो इससे टच करता हुआ स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचिएगा, सब ताकि सबसे स्पर्श करेंगे, सबसे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचना है आपको, सबसे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचना है, तो ये जो पृष्ठ देगा बाबू ये नया तरंगाग्र की स्थिति होगी, नया तरंगाग्र की स्थिति बताएगा, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे खींचते हैं, फिर मान लीजिए कहा नहीं हमको चाहिए 1 घंटे के बाद, 1 से गुना करेंगे इसमें, जितना दूरी होगा उतना त्रिज्या का हम गोल गोल खींचेंगे, सबको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे, सबको स्पर्श करता हुआ ये द्वितीय तरंगिकाएं हैं, इसको स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ खींचते हैं हम लोग वो नया तरंगाग्र की स्थिति बतलाता है। लिखिए अब थर्ड पॉइंट, किसी क्षण पर तीसरा पॉइंट में, किसी क्षण पर द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ सबको स्पर्श कर रहा होगा वो पृष्ठ, हरा वाला जो दिखाए स्पर्श करता हुआ नया पृष्ठ कर सकते हैं या पृष्ठ भी लिख सकते हैं, स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ, ठीक है, कमा दीजिए नया तरंगाग्र की स्थिति को प्रदान करता है, ठीक है, नया तरंगाग्र की स्थिति को, ये सभी द्वितीय तरंगिकाएं हैं, उतार लीजिए डायग्राम बना लीजिए बाबू, द्वितीय तरंगिकाएं हैं और इनसे जो बाबू स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ हमने खींचा है ये नया तरंगाग्र को जो है आपको स्थिति बतलाएगा। फिर आगे आप जानना चाहते हैं कि नहीं हमको 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमको कौन सा हमें पृष्ठ मिलेगा, नया तरंगाग्र कहां मिलेगा, तो आप यहां से बस क्या करते हैं हम लोग v × t, ठीक है, हम आगे लिखवा देंगे, ऐसे लिखना चाहते हो तो यहां भी लिख सकते हैं, हम आगे अलग से लिखवा देंगे इसको कि नया तरंगाग्र की स्थिति बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, नए तरंगाग्र की स्थिति ये प्राप्त करना हमें कुछ नहीं, ये जो चाल है बाबू, चाल तरंग की
जो चाल है सब जगह एक समान होती है, इसको भी ले लीजिएगा, और जितना समय के बाद आप प्राप्त करना चाहते हैं समय से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। स्थिति ज्ञात करना है तो समय टी से गुना कर देंगे, मतलब ये क्या दे देगा, भीटी ही जो है वो नया तरंगागर की स्थिति को बताएगा, है ना, भीटी। तो भीटी से जो है करना क्या पड़ेगा कि भीटी से भीटी त्रिज्या का, मतलब इतनी लंबाई का त्रिज्या का, अब क्या करें सब गोला खींचे आप, सब गोल खींचकर उसके बाद उस सबको स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, यही पृष्ठ आपको नया तरंगागर प्रोवाइड करेगा। इसको नोट कर लीजिए, नया तरंगागर की स्थिति ज्ञात करेंगे, तरंग की चाल गुने समय इक्वल टू भीटी, हम लोग इसी आधार पर निकालेंगे। जया जितना भी आपको नया तरंगागर प्राप्त करना होगा सब उसी के आधार पर प्राप्त होगा। दिखा दीजिए परेश को डायग्राम, दिखा दीजिए, जहां भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप।